सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गांव में घूम घूम कर बहुत ही आसानी से किसी का भी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बना सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको अपना लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस या पावर बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सिंपली अपने एक मोबाइल डिवाइस से, यहाँ पे आपको टैबलेट भी नहीं यूज करना है, आपके पास जो एंड्रॉयड डिवाइस है उससे और एक सिंगल फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस की बदौलत किसी का भी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बना पाओगे। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में किसी का भी बायोमेट्रिक लेकर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड कैसे बनाओगे, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, कंप्लीट प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक अनुरोध जरूर करूंगा, आप हमारे जिस भी वीडियो को देखते हैं उसको एक लाइक कम से कम कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिव मिलती है। आपको लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें काफ़ी मोटिव मिले और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना ला सकें। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो दूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, आयुष्मान भारत से अगर आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो एक दिन पहले मैंने जो वीडियो देखा उसको आप देख लीजिए, इसमें मैंने बताया है कुछ आयुष्मान भारत से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसकी किस प्रकार से सेटिंग होगी, किस प्रकार से आपको वर्क करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर में, सॉरी आपके अपने मोबाइल में क्रोम ओपन कर लेनी है, क्योंकि आयुष्मान भारत का जो भी काम होगा वो क्रोम में होगा। इसमें आने के बाद दोस्तों, आपको कुछ नहीं टाइप करना है, आपको टाइप करना है CHROME। सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे ये टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना है। एक मिनट, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे देखने में इशू आ रही है तो आप फ्लैग्स सर्च कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे क्रोम फ्लैग्स आ जाएगा, यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए क्रोम फ्लैग्स, और यहाँ पर फाइंड करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर सिंपली LOCL लोकल HOST, यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपको लोकल होस्ट सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखिए अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट, यहाँ पे डिसेबल होगा आपके क्रोम में, इसे सिंपली आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको रिलॉन्च नाउ पे क्लिक करनी है। रिलॉन्च नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है क्रोम, यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली क्रोम सर्च कर लेना है, और यहाँ पे देखना है अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल हो क्रोम का तो सिंपली आपको उसे अपडेट कर लेना है। यहाँ पे मेरा लेटेस्ट वर्जन है 4. यहाँ पे मेरा लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, तो यही आपको इंस्टॉल करनी है लेटेस्ट वर्जन, उसको आप सिंपली अपडेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे डायरेक्ट, आपको जाना है PMJAY.CACCloud.in के साइट पर, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं PMJAY.CACCloud.in। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे यह पहला लिंक खुल के आएगा, आयुष्मान भारत लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड अनसेफ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अनसेफ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी CSC ID डेली है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपको साइन इन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी CSC ID देते हैं, तब तक के लिए वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। तो दोस्तों मैंने सिंपली यहाँ पे CSC ID डाल दी, मैं यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स आप साइन इन के बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा, लोडिंग होगी। लोडिंग होने में सिंपली दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप इसका मोबाइल वर्जन यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर आपको सिंपली देखने को मिल सकता है साइड इज़ नॉट, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप सिंपली इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आप इसको पुनः ट्राई कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान देनी होती है, जब भी आप इसको करेंगे साइड अगर लोड नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा इसको डेस्कटॉप साइड को आपको इनेबल कर लेना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने डेस्कटॉप साइड इनेबल कर रखी, ये लॉगिन हो चुका, रिफ्रेश हो चुका, क्योंकि दोस्तों आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिल सकता है। एंड आपको एक बात ध्यान देनी होगी दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरे मोबाइल में मेरा बायोमेट्रिक डिवाइस मॉर्फो का कनेक्ट है, और इसके लिए आपको जाना होगा, आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि OTG कनेक्शन जो है उसको आपको ऑन रखना होगा। OTG ऑन रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे सिंपली OTG ऑन करना है,
कुछ पॉपअप आपको आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे यूएसबी पे क्लिक करना है और आपको ओके कर देना है, अलाउ आपको कर देना है। जो जो परमिशन मांगती है वो आपको डालना है, क्योंकि आपका जो है मॉर्फो आरडी सर्विस के तहत यहाँ पे वेरीफाई करता है मोबाइल के लिए, तो थोड़ा बहुत आपको टाइम देना है। अगर आपके पास मंत्रा का भी डिवाइस है तो मंत्रा की जो है आरडी सर्विस आपके पीसी में, सॉरी आपके मोबाइल में रहनी चाहिए। मंत्रा का जो आरडी एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में रहना चाहिए। एक्चुअली दोस्तों बहुत दिनों बाद मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं योर डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज़, यानी कि ये रेडी हो चुका। अब चलते हैं फिर से इसी साइड पे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली सर्च बेनिफिशरीज़ पे आपको क्लिक करनी है। सर्च बेनिफिशरीज़ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ मोबाइल नंबर के ज़रिए। यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने सर्च करा, यहाँ पे डिटेल आ चुका। यहाँ पे फैमिली सेलेक्ट फैमिली पे मैं क्लिक करता हूँ और रैंडमली मैं किसी का कलेक्ट केवाईसी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्ट केवाईसी का ऑप्शन है, सिंपली मैं कलेक्ट केवाईसी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑलवेज शो पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पॉपअप होती है वो पॉपअप देना होता है, उसका एक्सेस आपको देना होता है। और जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तब आपको लॉग इन अगेन करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जिस वजह से आपको लॉग इन अगेन करना होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड डिजिटल सेवा डॉट सी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन अनसेफली पे आपको क्लिक करना है। क्यों आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि दोस्तों आप पॉपअप को अलाउ कर रहे हो, जिस वजह से आपको फिर से लॉग इन करना ही होगा, एनी हाउ आपको फिर से लॉग इन करना होगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए हम यूज़र आई डी पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको फिर से यहाँ पर लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के बाद आपको अगेन जाना है सर्च बेनिफिशरीज पे। यहाँ पे आपको जो भी आपके पास है जरिया, जैसे मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, जो भी है उससे आप कर सकते हैं। कस्टमर का डायरेक्ट डिटेल डाल के भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट फैमिली पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट फैमिली होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोडिंग होने के बाद सिंपली आप कलेक्ट केवाईसी पे क्लिक करेंगे और कलेक्ट केवाईसी के बाद आप सिंपली उसका डाटा ले पाएंगे। जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्ट केवाईसी होने के बाद उनकी डिटेल आ चुकी। अब हमें कलेक्ट केवाईसी पे क्लिक करनी है। जैसे ही मैं कलेक्ट केवाईसी पे क्लिक करूँगा यहाँ पे नंबर है, नंबर आ चुका ऑटोमेटिकली। उसके बाद दोस्तों मैं फैमिली डालता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑथेंटिकेशन टाइप आपका क्या, आईडीज है, फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक पॉपअप आता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में आता है। आपको यहाँ पे टिक कर देना है आई एग्री पे। आई एग्री पे अगर टिक नहीं होता दोस्तों सिंपली आप इसको जूम करोगे, जूम करने के बाद यहाँ पे टिक आपका ले लेगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टिक लेने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो फिचिंग बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्लीज़ वेट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आपका आरडी सर्विस ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेता है तो आपको एक बार अपना बायोमेट्रिक डिवाइस को प्लग्ड आउट करके प्लग इन करना होता है। यहाँ पे जस्ट तो देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस वजह से एरर भी आ रही है, तो ऐसे ही एरर आपको भी आ सकती है। आपको घबराना नहीं है, जब पहली बार आपका एरर कंप्लीट हो जाएगा देन आप इसको करोगे और हो जाएगा। सिंपली मैं कलेक्ट केवाईसी पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा बायोमेट्रिक का डिटेल यहाँ पे आता है या नहीं। सिंपली मैं यहाँ पे फैमिली टाइप करता हूँ और ऑथेंटिकेशन मोड फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट करने का दोस्तों यहाँ पे मेरे को पॉपअप आया, यहाँ पे आई एग्री, आई एग्री के बाद देन प्रोसीड। प्रोसीड पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे फैच कर रहा है, फैच करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ वीडियो को। तो सिंपली आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा मॉर्फो आ चुका। मॉर्फो आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो मॉर्फो स्मार्ट चिप MS। तो सिंपली दोस्तों कस्टमर का आधार नंबर आप पूरा डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, आधार नंबर डालने के बाद सिंपली आपको जो है बायोमेट्रिक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप बायोमेट्रिक पे क्लिक करिएगा यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप कस्टमर का फिंगर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इशू दिखाएगा फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम फिर से दोस्तों आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी इशू आ जाती है मॉर्फो में। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको उनका डिटेल डालना है
और डिटेल डालने के बाद सिंपली उनका फिंगरप्रिंट आपको स्कैन कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों मैं फिंगरप्रिंट उनका स्कैन कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी। अब दोस्तों आप सिंपली कस्टमर का डिटेल डालोगे और यहाँ पे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों यही थी मॉर्फो की सेटिंग। इसी कारण से इसी तरीके से आप मॉर्फो की सेटिंग कर पाओगे और मोबाइल में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाकर आप यूज कर पाओगे। तो दोस्तों यही वो तरीका था जिसके बदौलत आप आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का काम अपने मोबाइल में कर पाओगे और आप बहुत ही आसानी से मोबाइल की बदौलत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बना पाओगे। दोस्तों आप बायोमेट्रिक डिवाइस को इंस्टॉल करते हो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, खासकर मॉर्फो में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पर आपका मंत्रा जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, तो आई रिकमेंड कि आप मंत्रा का यूज़ करें, मंत्रा से काफ़ी आसानी से हो जाएगी। मंत्रा यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है मंत्रा आरडी सर्विस। जैसे ही आप मंत्रा आरडी सर्विस करेंगे, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, सब प्रोसेस सेम रहेगा, मंत्रा आप में वर्क कर जाएगा। और मॉर्फो की जो सेटिंग थी मैंने आपको बता दी। मॉर्फो में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने इसको सॉल्व आउट कर दिया, मेरा यह हो गया, आपका भी हो जाएगा। बार बार ट्राई करोगे हो जाएगा, मैंने भी 4 बार 5 बार ट्राई करा तब जाके हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।